नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र से एक मामला सामने आया, जहां पर महिला आयोग की सदस्य के आदेश पर जांच करने गई पुलिस टीम पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। यही नहीं, कहिंजरी चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह समेत पुलिस कर्मियों के साथ पथराव किया गया और मारपीट व फायरिंग की भी बात सामने आई है। वहीं दूसरी ओर अवैध असलहों से फायरिंग से चौकी इंचार्ज सहित पुलिस कर्मी बाल बाल बच गए, जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल अकबरपुर से रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर भेजा गया, जहां सभी का उपचार जारी है। बता दें कि ससुराली जनों द्वारा विवाहिता को परेशान किए जाने की शिकायत पर जांच करने गए थे चौकी इंचार्ज समेत पुलिस कर्मी, जहां पर उन पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। वहीं सूचना पर कई थानों के पुलिस बल के साथ पहुंचे एसपी केशव कुमार चौधरी, सीओ राम शरण सिंह व इंस्पेक्टर शशिभूषण ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। घटित घटना की जानकारी पर एडीजी भानु भास्कर व डीआईजी एएसएसपी कानपुर नगर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह ने मौका मुआयना किया। यहाँ पे अभी तक से जो हम लोग को अभी तक से जितना अनुसंधान हुआ है, उसमें ये पता चला है कि हम यहाँ पे एक महिला थी जिसके परिवारजन उसको परेशान कर रहे थे जी। तो उस खबर पे जो है, इसके पहले भी ऐसी कोई हुई थी, तो उसकी ऐसी पुनरावृत्ति की आशंका से जी हमारे चौकी की फोर्स उनकी मदद किया है। जब चौकी की फोर्स आया और परिवार को समझा बुझा रहा था, तो परिवार के कुछ सदस्य एकाएक हिंसक हो गए जी। जब वो हिंसक हो गए, तो सबसे पहले चौकी की फोर्स ने बड़ी बहादुरी से जी उस महिला को बचाने की कोशिश किया, जिसमें ज़्यादातर उसको बचा लिया जी। लेकिन उस दौरान जो है, जब ये पाया गया, ये जो बाकी लोग थे वो दुर्दांत किस्म के व्यक्ति हैं, और दुर्दांत अपराधी होने के कारण साथ साथ जो है वो हिंसक हो गए। हिंसक होने के साथ साथ हमारी जो चौकी की फोर्स को पीछे से घात लगाया जी, उसमें हमारे दो लोग जो है वो बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं जी। तो उनको पहले प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ सीएचसी लिया गया, सीएचसी ने फिर उनको उपचार करने के बाद से उनको रेफर किया गया, तो वो रेजेंसी अस्पताल में, वो रेजेंसी अस्पताल उनको देख के आ रहे हैं, दोनों होश में हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी उपचार है उनको प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे जो इस महिला के साथ ये हुआ था, उनको अभी उपचार किया जा रहा है, वो भी जो डॉक्टर से कहना है अभी ठीक है, लेकिन अभी उनको अगले 24 घंटे तक देखा जाएगा। इसके साथ जो है, जो इन लोगों ने हिंसक घटना की है जी, उनकी अनुसंधान पता चला है कौन कौन लोग हैं, उनका नाम चिन्हित कर लिया गया जी। और हमारे साथ जिला अधिकारी साहब भी हैं, और जिला अधिकारी साहब हैं और पुलिस अधीक्षक साहब भी हैं जी। उन्होंने सारे टीम बना के जितने लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अब तक 4 लोग जो इस घटना में थे उनको पकड़ लिया गया है, बाकी लोग की खोजबीन हो रही है। हमें पूरा आशा है कि आज कल सुबह 9 बजे तक हम लोग काम को पूरा कर लेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज। नमस्कार।